बिलाल अहमद दार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के छोटे से गांव में रहने वाला बिलाल। कश्मीर के बिलाल अहमद दार की जिंदगी का अकेला मकसद है वहां की सबसे बड़ी झील वुलार की सफाई। बिलाल ने 10 साल की उम्र में ही ये जिम्मा उठा लिया था और आज 18 साल के हैं। और अब दुनिया भर के लोग बिलाल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बनाने आते हैं। पिता के चल बसने के बाद बिलाल अपनी माँ के साथ रहते थे। गरीबी के चलते उन्होंने इस झील से कचरा साफ करने और कबाड़ में बेचने का काम शुरू किया। पैसे भले ही बिलाल को कम मिलते होंगे, लेकिन ये नेक काम बिलाल को खुशी देता था। और तब से ही बिलाल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी झील की सफाई करते आ रहे हैं, जिन्हें ना ही कोई मीडिया फोकस चाहिए और ना ही लाइमलाइट। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों ने बिलाल पर बातें भी शुरू कर दी और उन पर फिल्में भी बन गई। और फिर एक रोज श्रीनगर से फोन आया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिलाल का जिक्र किया था। इसके बाद श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। इन तमाम बदलावों के बावजूद बिलाल के काम पर आज तक कोई फर्क नहीं आया। वे अब भी सर्दी हो या बरसात बोट लेकर निकलते हैं और झील से कचरा साफ करते हैं। म्यूनिसिपल आंकड़ों के अनुसार पिछले सालों में अकेले बिलाल ने वुलार झील से 12,000 किलो से ज्यादा कचरा साफ किया है। लेकिन बिलाल के लिए गणित किसी काम का नहीं। कहते हैं गरीबी बड़ी खराब चीज है, उसका काम खत्म हो रही झील की शायद आखिरी उम्मीद हो। इसी ख्याल से बिलाल हमेशा ये काम करते आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता के मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, ऐसे में इतनी कम उम्र के बिलाल जो अकेले कश्मीर के इतने बड़े झील की सफाई करने निकल गए थे, हम सभी के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ टाइम्स इंडिया बिलाल के हौसलों को सलाम करता है।